काफी समय से दादी की तबीयत खराब थी। घर पर ही दो नर्स उनकी देखभाल करती थी। डॉक्टरों ने भी अपने हाथ उठा दिए थे और कहा था, जो भी सेवा करनी है कर लीजिए, दवाइयाँ अपना काम नहीं कर रही हैं। उसने अपने घर में बच्चों को हॉस्टल से बुला लिया। काम के कारण दोनों मियाँ बीवी काम पर चले जाते। दोनों बच्चे बार बार अपनी दादी को देखने जाते। दादी ने आंखें खोली तो बच्चे दादी से लिपट गए। दादी, पापा कहते हैं कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, हमें हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता, क्या आप हमारे लिए खाना बनाओगी? नर्स ने बच्चों को डांटा और बाहर जाने को कहा। अचानक से दादी उठी और नर्स पर बरस पड़ी। आप जाओ यहाँ से, मेरे बच्चों को डांटने का हक किसने दिया है? खबरदार अगर बच्चों को डांटने की कोशिश की। कमाल करती हो आप, आपके लिए ही तो हम बच्चों को मना किया, बार बार आता है तुमको देखने और डिस्टर्ब करता है, आराम भी नहीं करने देता। अरे इनको देखकर तो मेरी आंखें और दिल को कितना आराम मिलता है, तू क्या जाने। ऐसा कर, मुझे जरा नहाना है, मुझे बाथरूम तक ले चल। नर्स हैरान थी, कल तक तो दवाई काम नहीं कर रही थी और आज ये चेंज, सब समझ के बाहर था जैसे। नहाने के बाद दादी ने नर्स को खाना बनाने में मदद करने को कहा। पहले तो मना कर दिया, फिर सोच कर वो मदद करने लगी। खाना बनने पर बच्चों को बुलाया और रसोई में ही खाने को कहा। दादी, हम जमीन पर बैठकर खाएंगे आपके हाथ से, मम्मी तो टेबल पर खाना देती है और खिलाती भी नहीं कभी। दादी के चेहरे पर खुशी थी, वो बच्चों के पास बैठकर उन्हें खिलाने लगी। बच्चों ने भी दादी के मुंह में निवाले दिए। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। दादी, तुम रो क्यों रही हो, दर्द हो रहा है क्या? मैं आपके पैर दबा दूं? अरे नहीं, ये तो बस तेरे बाप को याद कर आंसू आ गए, वो भी ऐसे ही खाता था मेरे हाथ से, पर अब कामयाबी का ऐसा भूत चढ़ा है कि खाना खाने तक का भी वक्त नहीं है उसके पास, और ना ही माँ से मिलने का टाइम। दादी, तुम ठीक हो जाओ, हम दोनों आपके ही हाथ से खाना खाएंगे, और पढ़ने कौन जाएगा, तेरी माँ रहने देगी क्या तुमको? दादी, अब हम नहीं जाएंगे, यहीं रहकर पढ़ेंगे। दादी ने बच्चों को सीने से लगा लिया। नर्स ने इस इलाज को कभी पढ़ा ही नहीं था जीवन में, अनोखी दवाई थी, अपनों का साथ, हिल मिलकर रहने की। दादी ने नर्स को कहा, आज के डॉक्टर और नर्स क्या जाने कि भारत के लोग 100 साल तक निरोगी कैसे रहते थे। छोटा सा गांव, सुविधा कोई नहीं, हर घर में गायें, खेत के काम, कुएं से पानी लाना, मसाले कूटना, अनाज दलना, दही बिलोना, मक्खन निकालना, एक घर में कम से कम 20-25 लोगों का खाना बनाना, कपड़े धोना, कोई मिक्सी नहीं, ना ही वॉशिंग मशीन या कुकर, फिर भी जीवन में कोई रोग नहीं, मरते दिन तक चश्मा नहीं, और दांत भी सलामत। ये सभी केवल परिवार का प्यार और मिलने से होता था। नर्स तो ये सुनकर हैरान रह गई और दूसरे दिन दादी ठीक हो गई। आइए बने हम भी दवा ऐसे ही अपनों की।